नगर पालिका परिषद सारणी जिला बैतूल कुएं का दूषित पानी की सप्लाई रोकने, सरकार द्वारा बढ़ाए गए जल कर को कम करने व संपत्ति कर में की गई बढ़ोतरी को कम किए जाने बाबत आम आदमी पार्टी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती है कि वार्ड नंबर 01 में पानी के जो दो कुएं हैं उसमें से एक छोटे कुएं में सेवा की गंदगी के रिसाव से पानी दूषित हो रहा है। वार्ड वासियों का कहना है, पहले या उसकी उचित व्यवस्था कराई जाए या जब तक उस छोटे कुएं को पूर्ण रूप से बंद कराया जाना अति आवश्यक है, तब तक उसी वार्ड के दूसरे बड़े कुएं से वार्ड वासियों को स्वच्छ पानी सप्लाई करने का कार्य किया जनहित में किया जाए। नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले समस्त जलकर उपभोक्ताओं से जो गत वर्षों में 40 रुपए और 60 रुपए जलकर के रूप में उपभोक्ताओं से लिया गया है, अभी वर्तमान में 1 अप्रैल 2021 से सरकार से अनुमोदन के उपरांत जो जलकर 120 रुपए किया गया है वो सीधे सीधे दोगुना कर दिया गया है। नगर सरकार के द्वारा हर मूलभूत सुविधाओं के लिए उपभोक्ताओं से उपभोक्ता प्रभार शुल्क बढ़ाकर लिया जा रहा है, उसे वापस लेने का कार्य जनहित में किया जाना चाहिए। सारणी से आशीष उघड़े की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में हमारे द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रमुख 3 बिंदुओं को रखा गया है, जिसमें प्रथम बिंदु यह है कि वार्ड क्रमांक 1 पाटाखेड़ा सारणी में जो 2 कुएं हैं, एक जो छोटा कुआं है उस कुएं में आजू बाजू जो घर हैं वहाँ से जो सीवर टैंक है उसमें कहीं ना कहीं मलमूत्र जो है वो रिस रहा है, जिसके कारण छोटे कुएं में पानी जो है अशुद्धिकरण हो रहा है और कहीं ना कहीं पानी दूषित होते जा रहा है। एक उस कुएं को बंद कराया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि आमजन में किसी प्रकार से बीमारी ना फैले। दूसरा ये है कि उसी वार्ड में एक बड़ा कुआं है, उस बड़े कुएं में ऐसे लोगों को जो अन्य 150 घरों को जो पानी पहुंचता था वो पानी जिस छोटे कुएं में जो रोक रहे हैं, उसमें बड़े कुएं से पानी जो है उन लोगों को भी आमजन तक पहुंचाने का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाए। बिंदु क्रमांक 2 ये है कि जो जलकर उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है नगर पालिका परिषद सारणी के माध्यम से, विगत वर्षों में 40 रुपये था, फिर 60 रुपये हुआ और वर्तमान में अभी पता चला है कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से उसको जो है 120 रुपये कर दिया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि उपभोक्ताओं पे जो प्रभार लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से बेरोजगारी हमारे शहर में लगातार फैल रही है और लगातार उपभोक्ताओं से इस प्रकार का शुल्क लेना कहीं ना कहीं न्यायसंगत नहीं है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि नगर की सरकार, नगर की परिषद इस ओर एक बार ध्यान केंद्रित करें।